21:26 की महावाक्य अव्यक्त बापदादा रिवाइज है 16:286। गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प, गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मापद्म भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देखकर हर्षित है। चारों ओर के भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं और हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। सारे क्लब में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबर वन भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसीलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों की भाग्य पर नाज है। आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे बाबा का लास्ट नंबर का भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। हर एक बच्चे ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत विशेष रूप से दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। ये कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे। हर एक बच्चे ने सेवा का कार्य उमंग उत्साह से पूरा किया, इसकी भी बाप दादा मुबारक। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं, तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे। बच्चों ने अपने अपने स्थान पर बैठकर सेवा की, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा की या प्रत्यक्ष सहयोग के द्वारा सेवा की, तो बाप दादा सभी बच्चों को सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। स्व परिवर्तन की सेवा में आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। सुनाए धना बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी। कहाँ पर सुनी बाप दादा ने प्रतिज्ञाएं? बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से भी ज्यादा शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो और बाप दादा मन के संकल्प को
देख सकते हैं। ऐसा नैरेटिव भी जो बाप दादा आपके संकल्पों को भी देख सकते हैं। जो भी हरेक ने पार्ट बचाया वह सब संकल्प सही, मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। आज बाप दादा बच्चों ने जो सेवा की है उसकी मुबारक देने आए इसलिए बाप दादा आज वो बातें नहीं सुनाएंगे कि बाप दादा ने टीवी में क्या क्या देखा। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशियों की तालियां बजाई, हाथ की तालियां नहीं खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए, ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई स्थूल कार्य करने वाले, सब में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा, इसीलिए चारों ओर खुशी की रौनक। प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह या अनुभव का प्रसाद लेते, इससे बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो गए। गोल्डन जुबली भी मना लेना, अभी आगे क्या मनाएंगे? बच्चों ने गोल्डन जुबली मना ली, बाप दादा कहते अब आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली के बाद डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। इस गोल्डन जुबली में क्या गोल्डन संकल्प किया? गोल्डन थॉट्स तो बहुत अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरा संकल्प किया जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन? पूछ रहे बाप दादा कि गोल्डन जुबली में अपने लिए कौन सा गोल्डन सुनहरा संकल्प किया जो हर घड़ी गोल्डन। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो, गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट हो। दुनिया के लिए तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग गोल्डन नाइट होती है, मगर आप बच्चों के लिए हर सेकंड गोल्डन है, तो एक आप में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट हो। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया गोल्डन लाइट का स्वीट हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, ये अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। शुरू शुरू में चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, ये अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली श्रेष्ठ कार्य की है, कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं साथी हैं।
गोल्डन कार्य के सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंच के बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली के बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो, बनने वाले हैं या देखने वाले ना। गोल्डन दुनिया के मालिक बनने वाले हैं या सिर्फ गोल्डन दुनिया को देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना, तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के खुशी के सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो। गोल्डन संकल्प हो, गोल्डन संकल्प हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के खुशी के सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे वा माने वा ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चले। आपको कोई मान दे ना दे, आपको कोई स्नेह दे ना दे, पर आप आत्मिक दृष्टि से स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चले। वह माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने आप तो मान सकते हो ना। आपको कोई माने ना माने, ये मीठी बहन है मीठा भाई है, पर आप तो मान सकते हो ना। आप उसको मीठी बहन या मीठा भाई आप रतन दो। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनेयर हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वह दे तब मैं दूँ। कोई आपको दे ना दे, आप मान दो। आप कोई आपको कोई कुछ भी दे, आप उनको सुख दो। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो, रत्नों के खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनेयर हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचे कि वह दे तब मैं दूँ। ये भिखारी के संस्कार है, दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूँ, यह स्नेह दे तो मैं दूँ, यह मान देवे तो मैं दूँ, यह भी हाथ फैलाना है। यह दे तो मैं दूँ, यह करे तो मैं करूँ, ये मान देवे तो मैं दूँ, ये कहना भी जैसे हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है, इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुँचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए, विज्ञान की शक्ति ऐसी रिफाइन वस्तु बना रही है, तो आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए।
विज्ञान ने भी ऐसे साधन बनाए जो जल्दी से जल्दी विनाश हो जाए। तो आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसी शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है, उसको खुशी की लहर को ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। कौन सा संकल्प? भय के मौत की शैया पर सोई हुई दुनिया को खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन सदा संकल्प इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, अभी और आगे भी अच्छे से अच्छा करते चलो। जो किया बहुत अच्छा किया, बाप दादा कहते आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत अच्छा। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ, दिलखुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिलखुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट वट खत्म हो जाती है, तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई ना। बाप दादा ने कहा कि खूब खुशी की मिठाई खाओ, हाँ खूब डांस करो, क्योंकि डांस करने से थकान मिट जाती है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी दुनिया बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है ना, बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की याद स्वतः ही है। बाप और वर्षा दोनों याद है ना, तो बाप की याद स्वतः ही वर्षे की याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप स्वतः ही याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है, बाबा को याद करते हैं वर्षे के लिए, अगर वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करें? बाप याद आए तो वर्षा याद आए, वर्षा याद आए तो बाबा याद आएगा, क्योंकि वर्षे के लिए बाप को याद करते, अगर वर्षा ना मिले तो बाप को याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजाने से भरपूर और दुख दर्द से दूर दोनों ही फायदा है। बाबा की याद खजाने से भरपूर बनाती है और दुखों से दूर कर देती है, तो याद से दोनों फायदे हैं। दुख से दूर हो जाते, खजाने से भरपूर हो जाते, ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता, यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। बाबा की याद से जो प्राप्ति होती है वो और कोई करा न सके, यही स्मृति सदा संतुष्ट और संपन्न बनाएगी।
जैसे वाम सागर है सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाए फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न हो तो आप भी सदा संपन्न आत्मय होना, खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी आत्माएं बन गई ना, खुशी में झूलने वाली, सुख के झूले में झूलने वाली, तो ऐसी आत्माएं बन गए ना। सदा सदा संपन्न रहना ही है, तो चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाए। बाप दादा के शक्तियों से भरपूर तो हो गए, पर मिले हुए खजानों को कहाँ तक कार्य में लगाया चेक करो। सदा संपन्न रहना ही है, चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत और उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं, उमंग है हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं, दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंगों के पंखों से उड़ते रहो। हिम्मत उमंग उत्साह के पंख लगाकर सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। 108 रत्नों के वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। माला की विशेषता दाना दाने से मिला हुआ होता है, चाहे 108वां माला हो दाना हो, पर दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को ये महसूसता आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मन के हैं, वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। दूसरा, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, ये माला के दाने की विशेषता है। एक दूसरे के संस्कारों को जानकर एक दूसरों से मिलकर चलना, ये दाने की विशेषता। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कारों संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। एक दो के संस्कारों को मिलाएंगे तभी एक दो के स्नेही बनेंगे, इसलिए सरलता का गुण धारण करो। अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है, जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं रहती है। अभी तो स्तुति के आधार पर स्थिति बनती है, एक दो से स्तुति की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं रहती। निंदा होती तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो, फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता। ये दो बातें माला से बाहर कर देती हैं, इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बना। स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ, तब स्थिति अच्छी रह सकेगी। चौथा, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। संस्कारों को मिलाने के लिए जहाँ बालक नहीं बनना वहाँ जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना।
मालिक बन अपनी राय दो फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। कोई राय मांगे तो मालिक बन के राय दो, और जब उस राय पर कोई राय निकले तो बालक बनकर उसे स्वीकार करो तो टकराव से बच जाएंगे। उसको कहते बालक सो मालिक, मालिक सो बालक का बैलेंस। पांचवा, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता, जितनी नम्रता उतनी सफलता। और नम्रता आती है निमित्त समझने से। सफलता का आधार है नम्रता, जितनी नम्रता उतनी सफलता। और नम्रता आती है निमित्त भाव से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं, जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो, और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता, स्वतः ही संस्कार मिलन हो जाएगा। जहाँ नम्रता है वहाँ संस्कार मिलन हो जाएगा, टकराव नहीं हो सकता। और नम्रता के लिए निमित्त भाव। छठा, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचड़ा न हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा ना हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वह सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। जो सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। कई बार हम कहते हैं कि हम सच है ना, इसलिए सबको अच्छे नहीं लगते हैं, पर जो सच्चा है वो सबका अच्छा है। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहेब राजी होता है। सच्चे बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी, और सच्चे पर साहेब राजी होता है। सातवां, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। संस्कार मिलन की रास करने के लिए इजी को, नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी अर्थात जब चाहे तब हम अपने संस्कारों को मोल्ड कर सके, उसको कहेंगे इजी संस्कार। आठवां, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हरेक की विशेषता देखो, और स्वयं को विशेष आत्मा समझ, विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटना है जो नेचर भी बदल जाए। हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्त फीचर्स बनेंगे। यहाँ तक मिटाओ कि अपनी पुरानी नेचर मिट जाए, ख़त्म हो जाए। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के फीचर्स बदल जाएंगे। नेचर पर फीचर्स डिपेंड करते हैं। नौवा, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर उसके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, सर्व के स्नेही थे, सबके दिलों पे राज करते थे। जैसे बाप सर्व के स्नेही हैं, सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उसके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे।
जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जल चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो सर्व के स्नेह के पुष्प के पात्र बने, स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। स्नेह कब मिलेगा? औरों को सहयोग देने से। दसवां, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, मेरे संकल्प, मेरी वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। सदैव ध्यान रखो हमारी चलन से किसी को दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म मेरा सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। ये रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। मेरे द्वारा किसी को दुख ना मिले, ये रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास स्वतः ही हो जाएगी। वरदान है ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हरे की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हरे की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हरेक में विशेषता देखना, वर्णन करना। सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। क्या रॉयल्टी है? स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना, हरेक में विशेषता देखना, वर्णन करना। सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी भी कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। रॉयल आत्माएं किसी की छोड़ी हुई चीज़ को धारण नहीं करते, इसलिए किसी की भी कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एक दो के गुणगान करो, स्नेह और सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदाता बाप हमें रोज़ वरदान देते हैं। बाबा के वरदानों की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी समान बना देती है। परिस्थिति रूपी आग पानी बनेगी और बह जाएगी। कब? जब वरदान की शक्ति साथ हो। बस रोज़ बाबा हमको कितने वरदानों से भरपूर करते हैं। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योगाभ्यास में अनुभव करें। मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्म इंद्रिय चित विकर्मा चित हो। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं महान श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा। गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देखकर खुश हो रहे। लगन में मगन रहने वाले बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई बहुत अच्छे से।
किसी ने प्रत्यक्ष रूप में सहयोग दिया तो किसी ने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा सहयोग दिया। पर बाप दादा ने कहा सेवा की मुबारक, परंतु इस गोल्डन जुबली में अपने लिए कौन सा गोल्डन संकल्प किया? तो गोल्डन बनकर गोल्डन दुनिया में जाने का संकल्प करना है। संकल्प सुनहरे हो। फिर बाप दादा ने कहा कि एक आँख में जीवन मुक्ति और एक आँख में मुक्ति हो। पहले चित्र भी बनाते थे ना, तो इस गोल्डन जुबली में क्या करना, एक आँख में मुक्ति और दूसरे आँख में जीवन मुक्ति। फिर बाप दादा ने कहा कि संस्कार मिलन के लिए क्या क्या करना है, उसका बाप दादा ने पूरा विश्लेषण किया। ओम शांति।